हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, पम में जाती हैं, शराब पीती हैं, शराब। सच बोलूं? तो ये गाना मेरा भी फेवरेट है। क्या तो सुना यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? Excuse me? मैं जानता हूँ आपको। वाओ, मतलब अब तुम मुझे जानते तक नहीं हो। अपनी स्वीट स्वीट प्यारी प्यारी बातें भूल गए तो? Just because मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए ना। कौन? बच्चे की माँ? तुम्हारी एज क्या है? 17। What the hell? सुधा, तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? अरे सुधा, प्लीज टच मी, आई थिंक। मैं ऐसे नहीं कर सकता। अरे प्लीज बताओ इसको। अरे अरे आई एम सो सॉरी, आप वापस आ जाइए। एक्चुअली ना, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी शर्ट लगी थी, हम तब से आपकी बातें सुन रहे थे। आप दोनों इतना पसंद करते हो एक दूसरे को, फिर भी 90s के सॉन्ग की बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। गुस्सा मत होइए, सिर्फ एक मजाक था। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दिखा वीडियो, दिखा। पलकी, पलकी, क्या ये? ये वीडियो तुम्हारे प्रोफाइल पे क्या कर रहा है? पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसा करता है? अरे पापा, इंडिया में ना आजकल लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमजोर होता जा रहा है, तभी आप लोग हंसने की बात पे गुस्सा कर रहे हो। सुन लिया? 4 साल यूएस में क्या रहा है ये? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे बेटा, ये इंडिया है। हाँ पापा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे रहना ही नहीं है इंडिया में। आप लोग प्लीज मुझे यूएस छोड़ दो। तुम्हारी बहन और जिया जी लेके गए थे ना इसको, अडॉप्ट करने वाले थे, वहां जाते ही भूल गए अपना प्रॉमिस, भेज दिया वापस इसका दिमाग खराब करके। इसे बोर्डिंग में डालूंगा तब आएगी इसकी अकल ठिकाने। हेलो पापा, मुझे नहीं जाना वो बहन की टाइप बोर्डिंग में, मुझे यूएस जाना है। तेरा पापा एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है, हैं? कोई गवर्नर नहीं है, और छोटे लोगों के सपने छोटे ही होते हैं। अपनी हद में रहो। बात करते। अरे मेरी बात तो सुनिए, बच्ची है वो। मुझे भी पापा के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगी। ऑलरेडी 2 भाई बोर्डिंग में है पहले से। तू मेरी ना बचपन की दोस्त है, इसलिए कभी भी तेरे लिए गलत नहीं कहूंगा। अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो ये सब बातों को इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे लिए कहना आसान है ना यार, तूने तो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं। हर किसी के लिए इतना ईजी नहीं होता है। तू ट्राई तो कर पागल। दोस्ती के आड़ में एडवांटेज ले रहा है। हाँ, पागल वागल है क्या? तेरे दिमाग में ये एंगल चलता है? छोड़ मुझे। तेरी तो ए अबे ना छोड़ा, तुम पागल हो गए, बच्चों से बिहेव मत करो। तुम दोनों कर क्या रहे हो? एंड रौनक, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, बॉयफ्रेंड है मेरा वो। तुम एक काम करो, तुम प्लीज अभी यहां से जाओ। आप लोग भी जाइए। सॉरी, पागल हो गए हो क्या? किससे लड़ रहे हो पता है तुम्हें? उसके पापा यहाँ के MLA हैं। अंकल को पता चल जाएगा फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। लिसन, उसका बाप MLA है या महामंत्री, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा 110%। वैसे रैली की तैयारी हो गई? बिल्कुल सर, इस बार जनता का झुकाव OP की तरफ है। अरे मेरे बेटा, अरे छुट्टियों में तू मुझसे मिलने के लिए आया और पापा से मिलने का टाइम नहीं है तेरे पास? अरे पापा, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू मुझे चोर बोल रहा है? चल मैं भी आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी पापा। अच्छा,
भैया आए तो आप खुद खाना बना रही हैं। माँ आपके हाथ का पोहा बेस्ट होता है। और मेरे हाथ की चाय भी मैं भी बनाती हूँ। तू पढ़ाई कर। हेलो। सो सॉरी यार, मुझे पता है अविनाश कुमार पे आके ड्रामा नहीं करना चाहिए था, और उसके चक्कर में तूने मुझे इतना सुना दिया। सो सॉरी ना। अच्छा एक काम करते हैं, कहीं पे मिलते हैं। अरे पलकी इट्स ओके, इसमें क्या सॉरी। अच्छा सुन, मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ना बीके पब में जाने वाला हूँ, तू भी उधर आ जाना। अच्छा ठीक है, डन, मिलते हैं। पापा मैं ईशा के घर जा रही हूँ, आपको बताया था ना पजामा पार्टी के लिए। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। हाँ, चाबी। क्या हुआ, चल। हेलो बेटा। तुम यहाँ? तुम्हारे यहाँ पजामा पार्टी है ना? हाँ वो मैं तो भूल ही गई थी। हाँ एंजॉय करो। चलिए बाय। क्या यार पलकी, आज तो मरवाई दिया था तूने। I'm so sorry यार, actually ना मुझे रौनक के साथ कहीं जाना है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करनी थी, इसलिए अपने पापा से झूठ बोला, और वो भी ईशा के नाम पर। रौनक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और दोस्तों के साथ पार्टी तो आप ही करते हो। तो जब लड़के पार्टीज कर सकते हैं तो सारे रूल सिर्फ लड़कियों। ये देखो क्या हुआ पर यहाँ पे, इसको इस लड़की ने तो तमाशा बना के रख दिया। चल बैठ आराम से। इसे तो हाई फीवर है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, फीवर उतर जाएगा। हालत देखो इसकी, नशे में है, अब तक नशे में। उठाओ इसे और पूछो इससे कि कहाँ थी, किसके साथ थी और क्यों थी। सुन, बिना कपड़ों के वीडियो है तेरी हमारे पास, अगर किसी को भी बताया ना तो वायरल कर दूंगा ये। चोट कैसे, ये निशान कैसा है, क्या हुआ ये। 3 दिन से शबर किया ना हमने, अब तो ठीक है ना बिल्कुल। अब तू मुझे सच सच बता क्या हुआ था, मुझे बता क्या हुआ था, बोलना क्या हुआ था उस दिन, बोल। वो सर कंप्लेंट करानी है, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ।
बल्कि ठीक से बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैं 3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ ब्लू रॉक कैफे गई थी और फिर जब मैं अपने दोस्तों के साथ कार में घर आ रही थी तो रिपोर्ट तुम 3 दिन बाद क्यों लिखवा रही है? उन लोगों के पास मेरा रेप का वीडियो है, मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैंने किसी को भी बताया तो वो उसे वायरल कर देंगे। तुम्हारे दोस्तों का नाम क्या? रौनक पाटिल, यहाँ के आमदार नारायण पाटिल का बेटा, और उसके 3 दोस्त ऋषि, पूरब और ध्रुव। अंकिता मेडिकल के लिए निकल। ब्लू रॉक कैफे का फुटेज चेक करना होगा। हाई प्रोफाइल केस, प्रेस वालों को पता नहीं चलना चाहिए। राजीव, इस गाड़ी का नंबर नोट करो और पता करो ये गाड़ी किसके नाम। सर, हेलो सर, मैं पुणे एक्सप्रेस से बोल रही हूँ। सर, मैंने सुना है कि यहाँ के एमएलए के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ सर, सब ठीक? ये रिपोर्टर्स ने हैरान किया हुआ है। आई नो सर, सुबह से मुझे भी बहुत फोन कॉल्स आए। सपल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे तो रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और बॉडी पे इंजरी निशान भी है। एक और बात सर, जिस रेड कार में पलकी को लेकर गए थे वो रौनक की माँ किसी सुरेखा पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। रौनक और उसके दोस्तों का एक अरेस्ट वारंट निकल, हाई प्रोफाइल केस है, हम चांस नहीं ले सकते। सर, अरेस्ट वारंट आपके बेटे के लिए। ये क्या बकवास है? क्या किया मेरे बेटे? रेप किया है। रेप? किसका रेप? पलकी का रेप किया। सर आप ये क्या बोल रहे हो, पलकी मेरी दोस्त है, मैं उसका रेप क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप जानते नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन चलो एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, आप इसे लेकर आप राजीव, इस गाड़ी को भी सीज करो, फॉरेंसिक को बुलाओ। तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? आमदार नारायण पाटिल के बेटे ने, जो कि सिर्फ 18 साल का है, उसने अपने 3 माइनर दोस्तों के साथ मिलकर एक माइनर लड़की का रेप किया दिन दहाड़े अपनी मां की कार के अंदर। अब देखना यह है कि इन अपराधियों को इनके किए की सजा मिलती है या आमदार की पावर की वजह से इस केस को यही रफा दफा कर दिया जाएगा। ये तुम ही लोग हो ना पलकी के साथ? हाँ सर, हम ही हैं। सर मैंने ही मिलाया था इन्हें पलकी से। सर मैं और पलकी बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी लड़की है वो, पता नहीं ये कैसे हो गया। पलकी तुम लोगों के साथ ही पब में गई थी और तुम लोगों के साथ ही बाहर निकली। हाँ सर, निकले तो थे पर अरे अरे संभाल के। चलो लेट्स गो। कहाँ? घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नो, आई विल गो। अरे हालत देखी अपनी, मैं छोड़ देता हूँ ना घर। आओ, ओके। हाय गाइस, चलो चलते हैं। मुझे इतना नशा सा क्यों हो रहा है? नशे में थे तुम लोग?
नहीं सर, हमने नहीं पी थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि पलकी भी सिर्फ जूस ही पी रही है, पर वो तो बहुत नशे में थी। वो नशे में थी तो तुम लोगों ने फायदा उठाया और उसका रेप कर दिया। नहीं सर, नहीं सर, हमने रेप नहीं किया। वैसे भी पलकी हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए थी। कनक, एक काम करो ना, गाड़ी यहीं साइड में रख दो। अरे यहाँ का तुम्हारा घर तो आ गया ना? हाँ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, सो यहाँ पे। नहीं पलकी, यू आर टू हाई, तो मैं घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यार रौनक, मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो यार, ऑलरेडी एक है। पूरा गाड़ी रोक। स्टॉप द कार, बाय। आराम से जाना, ठीक है? कहाँ उतरी थी वो? सर रेस कोर्स रोड पे। उसके बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। पलकी ने अपने घर वालों से झूठ बोला था कि वो अपनी फ्रेंड ईशा के यहाँ नाइट स्टे के लिए जा रही है। मुझे लगा शायद इसलिए वो अपने घर ड्रॉप नहीं करवाना चाहती है। कौन सी फ्रेंड? ईशा। रेस कोर्स रोड पे जो सिग्नल है उसका फुटेज निकाल और इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स। ईशा का क्या चक्कर? ईशा। यस सर। क्या पलकी 3 दिन पहले तुम्हारे पास यहाँ नाइट स्टे के लिए आई थी? यस सर, आई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम पटाखा। पर अगर अंकल को पता चला ना कि तू झूठ बोलकर गई है तो बहुत गुस्सा आएंगे। कौन बताएगा उनको? काम करना, तू भी चल साथ में, बहुत मजा आएगा। नहीं बाबा, भैया बहुत डांटेंगे। चल बाय। बाय। पब से वापस आते वक्त क्या पलकी फिर से यहाँ आई थी तुम्हारे पास? नहीं सर, वो वापस नहीं आई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर, ऐसा कुछ? अविनाश सर। सर मैं मिली हूँ उससे एक दो बार, वो थोड़ा अजीब सा है सर। ठीक है, तू क्यों रो रही है? सर रौनक को हम कैसे भी करके इस केस से निकाल लेंगे, पर सबसे पहले हमें मैडम का नाम क्लियर करना होगा, क्योंकि मैडम के नाम पर गाड़ी है। अरे तो रेप मैडम ने किया क्या? अरे गाड़ी जिसके नाम पर है केस उसी पर बनता है, और क्राइम गाड़ी में ही हुआ है। कोई क्राइम नहीं हुआ। वो लड़की झूठ बोल रही है, हमारे बेटे को बदनाम कर रही है। मैं बोल दूंगा कि सुरेखा शहर में थी ही नहीं, और ये बात पेपर की वो मैं अरेंज कर लूंगा, बस हमारे बेटे को इससे बाहर निकालो। बल्कि रौनक और उसके दोस्तों का कहना है कि तुम उनकी गाड़ी से रेस कोर्स रोड पर उतर गई थी, क्या वो सच बोल रहे हैं? पता नहीं सर, मुझे याद नहीं है। आप लोगों ने एफआईआर में ये लिखवाया था कि जब पलकी मिली थी तब उसके पास से ना कोई बैग मिला था ना ही कोई मोबाइल, और इसे हाई फीवर था। ऐसी और कोई भी बात जो मिसिंग हो? इसके कपड़े गीले थे और पैरों में सैंडल भी नहीं थे। इसका चेकअप हमारे फैमिली डॉक्टर ने किया था। ये कुछ तो हेलुसिनेट कर रही थी और बार बार रौनक और उसके दोस्तों का नाम ले रही थी। बल्कि तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए थे? क्या बारिश हुई थी? और तुम उस शॉप तक कैसे पहुंची थी जहां से तुमने अपनी मम्मी को फोन किया? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। राजीव, बल्कि ने जिस शॉप से अपनी मम्मी को फोन किया था वहां जाकर पूछताछ करो, वहां के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी निकालो, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो, और हां अविनाश को बुला के लेकर। उठ। क्या रेस कोर्स रोड पे पलकी से मिलने गया था ना तू? पलकी को जानता है? तू जानता है पलकी को? कल दोस्त थी मेरी सर। दोस्त नहीं, गर्लफ्रेंड है तेरी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास,
रात भर फोन पे बातचीत हुआ करती थी तेरी। रौनक और उसके दोस्तों की खबर सारे चैनल्स की टीआरपी बढ़ा रही है। मुझे एक बार भी शक नहीं हुआ कि जिस लड़की का रेप हुआ है शायद वो पलकी हो सकती है। लगा था सर, लगा था, लेकिन क्या पाया था, हमारे बीच फाइट हुई थी सर। ए, अपने पलकी को कई बार समझाया कि वो जो लड़का है ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, उसे सर मेरी बातों का कहां परवाह था। आपको पता है सर, जब से मैंने न्यूज़ सुनी है ना, तब से हमेशा पलकी मेरी आंखों के सामने आती है, नींद नहीं आती मुझे, मैं क्या करूं सर। अदालत ने रौनक और उसके तीनों दोस्त पूरम, ऋषि और ध्रुव की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है और उनको जुबिलाइल कोर्ट भेज दिया गया है। देखो बेटा रौनक, इस केस में सबसे ज्यादा चार्जेस तुम पर ही है। तुम्हारे वो दोस्त माइनर है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा मिलेगी उन्हें, पर तुम लंबा फंस सकते हो। अगर यहां से बाहर निकलना चाहते हो तो जो कुछ भी पता है सब कुछ सच सच बता दो हमें। पर रेड्डी सर, हमने कुछ नहीं किया है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, वो पलकी झूठ बोल रही है, हमने उसका रेप नहीं किया है। सर अविनाश और उन चारों लड़कों के कॉल रिकॉर्ड आ गए, लेकिन सर अविनाश के मोबाइल पे पलकी का कोई कॉल नहीं आया और उसकी मोबाइल लोकेशन भी अविनाश के घर के एरिया के आसपास की नहीं थी। सर उन चारों लड़कों के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन उस जगह से वो लोग अपने अपने घर ही गए, जैसा उन लोगों ने हमें बताया। और सर रौनक की मॉम की कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, उस गाड़ी में उन चारों लड़कों के साथ पलकी के डीएनए सैंपल भी मिले, लेकिन कोई सीमेन एक्सेट्रा नहीं। हो सकता है कि लड़कों ने कॉन्डम यूज़ किया। हो तो सकता है सर, क्योंकि पलकी उसी गाड़ी में जाके बैठी थी, तो वहां से उसका डीएनए मिलना तो बहुत ही नेचुरल है। आसपास के केमिस्टों से पता करो कि रौनक और उसके दोस्तों ने कॉन्डम खरीदा था कि नहीं। सर मैंने उस दुकानदार से बात की जहां से पलकी ने फोन किया था। दुकानदार का कहना है कि पलकी उस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि पलकी उस वक्त किस तरफ से आई थी और फिर कहां गई थी, और कोई सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल नहीं है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रौनक और उसके दोस्तों के कहने के मुताबिक पलकी रेस कोर्स रोड पर उतरी थी, फुटेज के मुताबिक पलकी वहीं उतरी थी, लेकिन वहां पर क्यों उतरी थी और वहां से कहां गई ये समझ में नहीं आ रहा है। पलकी का कहना है कि वो नशे की हालत में थी, इसने उसे कुछ याद नहीं, और रौनक और उसके दोस्तों का भी कहना है कि वो नशे में थी जबकि कैफे में उसने जूस पिया था। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पलकी झूठ बोल रही हो। देखिए सर, इस केस में एक एमएलए का नाम इन्वॉल्व है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पलकी यूएस में रहती थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस यूएस जाना चाहती हो। सर ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों ने पैसे लेकर ये काम करवाए हो या उन्होंने किया हो, और सर ये भी हो सकता है कि पलकी खुद ही पैसों के लिए ये काम कर रही हो। पलकी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी कि उसका रेप हुआ है। सर देखा जाए तो सिर्फ इस बात को छोड़कर हर बात पे पलकी का यही कहना है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब रेस कोर्स पर वो क्यों उतरी थी, वहां से उतर के वो किस तरफ गई थी, किसी को कुछ पता ही नहीं। ठीक है, पलकी उसकी फैमिली के बारे में पता करो, अगर वाकई में ये पॉलिटिकल या ब्लैकमेलिंग का एंगल है तो पता चल ही जाएगा, और अगर वाकई में पलकी का रेप हुआ है और रौनक और उसके दोस्तों ने नहीं किया है तो ये पता करना होगा कि रेप किसने किया है। आप? नमस्कार, मैं रेड्डी नारायण जी का पी है। क्या है ये? इसे तोहफा समझकर रख लीजिए नारायण जी की तरफ से, और ये केस वापस ले लीजिए। आप मेरी बेटी की इज्जत की कीमत लगा रहे हैं? आपकी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं लगा रहा आकाश जी, बल्कि उसे वो ऑफर कराओ जिसके लिए उसने ये केस किया था। आकाश जी, हमारे बच्चों ने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है। वापस यूएस जाना चाहती है ना, शायद इसीलिए। आप यहाँ से जा सकते, जाइए यहाँ से। नमस्कार। वाओ, मतलब अब तुम मुझे जानते तक नहीं हो, अपनी स्वीट स्वीट प्यारी प्यारी बातें भूल गए तो? जस्ट बिकॉज़ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना? ये पलकी के प्रोफाइल पर था, इस तरह के प्रैंक्स किया करती थी वो,
सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल के बच्चे फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी करें, लेकिन हमारा काम विक्टिम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना तो है, क्रिमिनल को पकड़ना है और उसे सजा दिलवाना है। सर पलकी का मोबाइल ऑन हुआ है अभी। उसका मोबाइल लोकेशन निकाल। I need that mobile now. Yes, sir. कहाँ से मिला है मोबाइल? मैं तो सोसाइटी में गाड़ी साफ करता हूँ, वो मुझे वहाँ कोने में गिरा हुआ पड़ा मिला और ये ऑफ था, मैंने ही ऑन किया है। सर हाँ, पलकी के मोबाइल से ईशा के मोबाइल में कुछ वॉइस नोट्स भेजे गए थे, हमारे पास पलकी का मोबाइल था नहीं तो हमें पता ही नहीं था, और सर ईशा ने जानबूझकर ये बात छुपाई थी हमसे। ईशा के साथ? ईशा तू भी आ जाना यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, तू आएगी तो और भी मजा आएगा। नहीं बाबा तुम ही लो मजे, मुझे भैया से डांट नहीं खानी। हाँ सर हुई तो थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर। पलकी ने तुम्हें SMS किया था, उसने तुम्हें ये कहा था कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और तुमने क्या किया? तुमने इसे घर आने से मना कर दिया। कैसी दोस्त हो तुम जानती हो कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो ड्रंक है, सड़क पर, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और हो क्या सकता है, हुआ ही है ना? I'm sorry, sir. सर, ये पलकी के केस में आपसे बात करना चाहता हूँ। सर मेरा नाम अभिमन्यु है, मैंने देखा था वो न्यूज़ MLA के बेटे वाली, आई एम नॉट श्योर पर मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था? पानी में कुछ फेंके और वाइट SUV में भागे, जैसे कुछ कांड करके भाग रहे हों। Are you sure? वो वाइट SUV थी? हाँ सर वाइट SUV ही थी। कितने लोग थे? सर स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन दो लोगों से ज्यादा ही थी। कहाँ हुआ था ये? पलकी ठीक से याद कर, तुम पब से रौनक और उसके दोस्तों के साथ एक लाल गाड़ी में निकली थी, फिर रेस कोर्स रोड पर उतर गई, फिर क्या तुम वहां पर किसी वाइट SUV में बैठी या किसी वाइट SUV से लिफ्ट ली तुमने? क्योंकि हो सकता है कि उसी वाइट SUV में तुम्हारा रेप किया गया। मुझे कोई वाइट SUV याद नहीं। ठीक से याद करो, क्योंकि जिस तालाब के पास तुम्हें छोड़ा गया था वो रौनक की लाल गाड़ी नहीं थी बल्कि एक वाइट SUV, वाइट SUV। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, ना कोई दुकान, ना कोई शॉप, ना कोई रोड कोर, किस गाड़ी में मेरा रेप हुआ, किस गाड़ी से डंप किया गया, लाल पीली, कुछ भी याद नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि दोनों को उसके दोस्तों ने मेरा रेप किया था, उन्होंने मेरा रेप किया। पलकी, पलकी ये क्या? सर, यही तो मेरी आंखों से दूर से ही हो रहा है। राजीव सर, उस वाइट SUV के बारे में पता करो और तालाब के पास जितने भी CCTV कैमरा है उसके फुटेज निकालो। आई वांट दैट वाइट SUV जिसकी रेयर व्यू मिरर पर ये लटका हुआ। राइट सर। सर ये वाइट SUV उस दिन उस दुकान के आगे वाले रोड के CCTV में कैप्चर हुई थी। गाड़ी के डिटेल्स निकाल लिए हमने। दिनकर पाटिल की गाड़ी है, ट्रैवल एजेंसी चलाता है। सर उसने कहा था कि उसकी ये गाड़ी चोरी हो गई थी, मैंने कंफर्म किया है, उसने चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। सर उसने कंफर्म किया कि उसकी गाड़ी के रेयर व्यू में एक ड्रैगन मास्क का शोपीस लटका हुआ था, जैसा हमें पलकी ने बताया था। इसका मतलब पलकी सच बोल रही थी, भले उसे सब कुछ याद नहीं है लेकिन इस वाइट SUV वाली बात उसे याद। सर हम पलकी का मोबाइल चेक कर रहे थे, पलकी ने अविनाश को व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज किया था और उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जब पलकी वहां पे उतरी थी उसने अविनाश को रेसकोर्स रोड पे एक शॉप के पास मिलने बुलाया था। इस शॉप की CCTV फुटेज निकालो और अविनाश को बुला के लेके। उस दिन पलकी ने तुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और वहां पर बुलाया है ना? पलकी ने मैसेज किया था,
वो मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? अविनाश, मैं ना ऐसी हालत में घर नहीं जा सकती, तो तुम एक काम करो, अपने साथ ले चलो। तुम्हारा बेसमेंट रोना कहाँ गया? हाँ, जो मर्जी आए ना वो करो, और वैसे भी मेरा तुम्हारा ना ब्रेकअप हो गया है। गेट लॉस्ट। इसके बाद सर मैं उसे वहीं छोड़ के मैं अपने घर वापस चला गया था। और क्योंकि तेरा मोबाइल फोन घर पे था, तो तुझे लगा कि पुलिस वालों को तेरी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। तू पलकी से नफरत करता था ना, तूने वो व्हाइट एसयूवी चुराई, दोबारा वहां पर गया, पलकी को गाड़ी में बिठाया, उसका रेप किया और तालाब के पास जाकर छोड़ दिया। ये गलत है सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रस्ट मी सर, पलकी का गैंग रेप हुआ, तूने अकेले तो किया नहीं, तेरे दोस्त भी होंगे। इसे अंदर लेके जाओ और इतना मारो इसे कि सच अपने आप फलक से निकल। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, सर सर मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो लड़की उन लड़कों के साथ एक रेड कलर की कार में बैठी थी, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उस लड़की का रेप एक व्हाइट एसयूवी में हुआ है। इस वीडियो को साइबर सेल के पास भेजो, एनालिसिस के लिए। यस। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या किया हमने? हमने साइबर सेल से पता किया है, आपके पीए ने बल्कि की सीसीटीवी फुटेज लीक किया, उसे वायरल किया। आप जानते हैं कि वो रेप विक्टिम है। एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इज अ क्राइम। तो वह हमें कानून सिखाएंगे? वो लड़की विक्टिम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, जिनको बिना गलती के फंसाया जा रहा है, उनका फ्यूचर खराब किया जा रहा है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए वो लड़की आखिर झूठी है कौन। वो लड़की हमसे पैसा कमाना चाहती है या फिर कोई और एजेंडा है? सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। सच्चाई जनता के सामने जरूर आएगी और गुनहगारों को सजा भी मिलेगी। पलकी बेटा, एक बात सच सच बता, तेरा कोई रेप नहीं हुआ ना? तुझे हॉस्टल नहीं जाना था, इसलिए तूने ये सब, तुझे पैसे चाहिए थे यूएस जाने के लिए, क्योंकि इंडिया तो तुझे पसंद नहीं है, है ना? इसलिए तूने ये सब ड्रामा किया। हाँ, इसीलिए किया मैंने सारा ड्रामा। मुझे यूएस वापस जाना है, मुझे नहीं रहना इंडिया में, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई प्यार नहीं करता, ना आप लोग ना मेरे दोस्त। मुझे सिर्फ मेरी मासी प्यार करती थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे वापस यूएस भेज दो। लेकिन उसके लिए तो पैसे लगते हैं, इसलिए मैंने झूठ बोलकर रौनक और उसके दोस्तों को फंसा दिया। उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पापा एमएलए हैं, एमएलए। और उस दिन वाइट एसयूवी में ना मेरा बॉयफ्रेंड अविनाश मुझे लेने आया था, और मैंने उसके साथ सब कुछ किया है, सब कुछ मतलब सब कुछ, और उसके पास सारा ब्लेम रौनक पे डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वाइट एसयूवी मिल गई शहर के बाहर। इस गाड़ी को सीज कर और फॉरेंसिक को बुला। सर, हाँ, ये कॉन्डोम का रैपर मिला, इसे भी फॉरेंसिक के लिए। राइट सर। अरे पलकी, हम तुम्हें फोन ही करने वाले थे, तुम्हें कुछ दिखाना है। I'm sorry, sir. मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरा कोई रेप नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था। क्या बोल रही हो? पापा मुझे कोई बोर्डिंग स्कूल में डलाना चाहते थे और मुझे जाना नहीं था, बस इसलिए। देखो पलकी, अगर तुम ये किसी के दबाव में आकर कर रही हो तो डरो मत, हम लोग हैं तुम्हारे। सर, जब वो खुद अपने मुंह से कह रही तो आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे, क्यों उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आप ऐसे, सर हमने कोर्ट में अर्जी डाल दी है, हम ये केस वापस ले रहे हैं। चल बेटा। वकील साहब,
क्या हुआ है? क्या हुआ? ये लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, इसका रेप हुआ है और इसी व्हाइट एसयूवी में हुआ है। गुनहगार को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। यह है शास्त्री नगर। पलकी अपने दोस्तों के साथ पब से यहां से निकली और यहां रेस कोर्स रोड पर आकर उतर गई। यहां से उसने ईशा को फोन किया, ईशा ने उसे घर आने से मना कर दिया। फिर उसने अविनाश को व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज किया। अविनाश यहां पर इस एरिया में किसी शॉप पर पलकी से मिला, उसे नशे की हालत में देखा, गुस्सा किया और वहां से चला गया। फिर सीसीटीवी के मुताबिक पलकी भी वहां से चली गई और यहां किसी एरिया में एक वाइट एसयूवी मिली। ये वही वाइट एसयूवी है जो दिनकर के गैराज से, जो कि यहां है, चोरी की गई। वहां से उसने अपनी मम्मी को फोन किया, उसके माँ बाप आए, उसे वहां से ले गए। अब इस हादसे के 3 दिन के बाद पलकी ने रिपोर्ट लिखवाई। सर ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कोई जो पहले से जानता हो कि दिनकर के गैराज में यह वाइट एसयूवी पहले से मौजूद और उसका मालिक शहर से बाहर है। मतलब उसी गैराज का कोई ड्राइवर? एग्जैक्टली। दिनकर से इस एरिया के सारे ड्राइवर्स के बारे में पूछता है। जाओ। राइट सर। सर दिनकर से पता चला है कि उस हादसे के अगले दिन से ही एक ड्राइवर गायब है, हमने उसे ट्रेस कर लिया है। मां का सब झूठ नहीं कर रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी था, महंगा मोबाइल कहाँ से आ तेरे पास? गलती हो गई साहब, सब बताता हूँ। मैं रास्ते में चल रहा था सर, वो लड़की दिखी, उसको उठाया, उसका रेप कर दिया और वो गाड़ी भी मैंने उठाई थी साहब। रेप तूने अकेले किया? रेप अकेले तूने किया है? और कौन था तेरे साथ? कोई नहीं था साहब, मैं झूठ नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। रेप चलती गाड़ी में हुआ है, चलती गाड़ी में तूने अकेले रेप किया? ऐसे नहीं बोलेगा, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है, इसकी पूरी जानकारी निकालो। सर ड्राइवर उत्कर्ष के मोबाइल रिकॉर्ड में एक अजीब सी चीज, उस दिन रेस कोर्स के पास से उसने पूरे शहर का चक्कर लगाया और उसका मोबाइल भी उसी रास्ते में ट्रेवल कर रहा था जहां उन चारों लड़कों का मोबाइल, सबके घर के आसपास। मतलब सेम टाइमलाइन। काफी अच्छा प्लान था तुम लोगों का। इनफैक्ट फुल प्रूफ। अभी भी ना करोगे या सच बकोगे? सर हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, क्या हो सकता है वो ड्राइवर हमारा पीछा कर रहा हो? हमें वो व्हाइट एसयूवी मिल गई है जिसमें पलकी का रेप हुआ था और उसकी बैक सीट में सीमेंट के ट्रेसेस भी मिले। डीएनए टेस्ट से पता चल ही जाएगा कि सीमेंट तुम लोगों का है और ये भी पता चल जाएगा कि रेप तुम ही लोगों ने की है। लेकिन अगर सच बोल दिया ना तो हो सकता है तुम लोगों की सजा कम हो जाए। बोलो, सच बोलो। ऋषि सारी तेरी गलती है, तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ ये। सबके लिए लाया था ना कॉन्डम, फिर बिना कॉन्डम के लड़की का रेप क्यों किया तूने? अब सच बोलेगा? बोलेगा। बोल। बहुत पसंद करता था पलकी को, तब ने मुझे सजेस्ट किया कि हमें अपनी कार चेंज कर लेनी चाहिए, ये कार अगर सामने आ जाती तो हम पकड़े जाते। ध्रुव के पहचान में कार वाला था तो उसने बोला कि वो कार अरेंज कर सकता है। मैंने उसे 5 लाख का लालच दिया। 10 मिनट बाद उसका कॉल आ गया कि कार रेडी है। हमने कार एक्सचेंज की और फिर पूरब ने मुझे आइडिया दिया कि हमें अपने मोबाइल भी ड्राइवर को दे देने चाहिए। सर ड्राइवर ने हमारे मोबाइल हमारे घर के लॉन में ड्रॉप कर दिए ताकि कल को अगर पकड़े जाते तो हमारा लोकेशन रिकॉर्ड होता। वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि पलकी तब भी वहीं थी, उसको कोई लेने नहीं आया था सर। पलकी का नसीब ही खराब था। जिन लोगों को भी उसने ट्रस्ट किया सब ने उसे धोखा दिया। सर हमें उस एसयूवी में सीमेंट के ट्रेसेस नहीं मिले थे, आपने लड़कों से झूठ क्यों बोला? कभी कभार सच निकालने के लिए
झूठ का इस्तेमाल करना पड़ता। सिर्फ एक रिजेक्शन के वजह से उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ही ये होती है, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर चीज अपने ईगो पर ले लेता और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।